हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वसुंधरा ने जोधपुर जिले में भरी हुंकार, कहा हमने कागजों में नहीं किया काम, धरातल पर करके दिखाया है विकास। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गौरव यात्रा के जरिए शनिवार को जोधपुर जिले में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हमने कागजों में काम नहीं किया बल्कि धरातल पर विकास करके दिखाया है, इसी कारण चारों ओर विकास नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे शनिवार को सुबह शेरगढ़ के सिखाला गांव में आयोजित आम सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने शेरगढ़ में भी आम सभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। गौरव यात्रा के अगले पड़ाव के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार सुबह देचू पहुंची। उन्होंने हेलीपैड पर आम लोगों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से ज्ञापन भी लिया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर सहित कई नेता दौरे के दौरान साथ मौजूद रहे। इस दौरान जोधपुर जिले के देचू व सिखाला में खासी रौनक व गमागमी रही। इस सभा स्थल पर भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत रहे। मुख्यमंत्री से पहले मंत्री कालीचरण सराफ ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री के सभा स्थल के पास तस्वीरें और पोस्टर लगे हुए थे। गौरव यात्रा के सभा स्थल पर लोगों की भीड़ दिखी और सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आए। मंच को सुंदरता से सजाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की दूसरे चरण में चलने वाली राजस्थान गौरव यात्रा को जोधपुर संभाग में जोरदार आगाज हुआ है। शनिवार को मुख्यमंत्री का देचू, शेरगढ़ व ओसिया में भाजपा के प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाजी बाजी के साथ स्वागत किया। अनेक स्थानों पर उनका चुनरी उड़ाकर अभिनंदन किया गया। आज सुबह लोहावट विधानसभा क्षेत्र के गुमानपुर से उनकी यात्रा आरंभ हुई। यात्रा देचू जोधपुर पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत किया गया। यहाँ सिखाला में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आम सभा को संबोधित किया। सभा के बाद यात्रा चामू पहुंची, यहाँ से ओसिया में सभा में शरीक होकर सभा को संबोधित किया। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के बाद मुख्यमंत्री ने बावड़ी में आम सभा को संबोधित किया। यात्रा का अवकाश रहेगा। इसके बाद 29 से 31 अगस्त तथा 1 से 2 सितंबर तक यात्रा रहेगी। 2 सितंबर को जोधपुर संभाग की यात्रा का समापन होगा। संभाग में कुल 8 दिन तक यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कुल 21 सभाओं को संबोधित करेंगी। संभाग की कुल 33 में से 28 विधानसभा में गौरव यात्रा भ्रमण करेगी। कुल 31 स्थानों पर मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम है। इस दौरान यात्रा कुल 1,347 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और याद रखना, ये वही है जहां 80,000 करोड़ रुपया का बड़ा कर्ज छोड़ के कांग्रेस की सरकार गई थी। ये इस तरीके से इतने सारे काम हुए हैं भाइयों, जिनमें नंबर एक राजस्थान आज है, तो क्यों नहीं गर्व? मैं समझती हूँ कि बहुत गर्व है। इसलिए राजस्थान गौरव यात्रा निकाल के जगह जगह जाके मैं सबको ये कह रही हूँ कि जो काम हुआ है ऐसा काम पहले भी नहीं हुआ है और ये काम हो सकता है। इसलिए जो सरकार आती है उससे हम सबको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे मांगे कि ये काम हो। हमारे लिए पिछली सरकार ने क्या किया, मैं ये पूछती हूँ क्या नहीं किया? इन लोगों ने खड़े होकर राजस्थान को बदनाम करने का काम किया है। एक मुख्यमंत्री सड़क पे खड़े होकर कहता था कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो कि जब कहीं घर में शादी भी हो रही होती है तो हम ये किसी को बताते नहीं है कि हमारे घर में शादी में के लिए पैसे नहीं है। हम कहीं से लाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।